हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ओके, कल लास्ट नाइट मैंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग शुरू करने वाले एक जादू की सीरीज। ओके, एंड मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने पूरा एक चैप्टर को पढ़ लिया कल रात में। एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना है, ये कैसे भी करके स्टार्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स के इंट्यूशंस है। यूनिवर्स ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिया है कि जादू सीरीज स्टार्ट करने का, मैजिक सीरीज स्टार्ट करने का। सो आई थॉट दैट यस यस यस, सो आई एम हियर फॉर द फर्स्ट डे कि आज आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। लेकिन उसके पहले ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ लकी गर्ल, आई एम सो पॉजिटिव, माई डे इज वंडरफुल, आई एम ऑलवेज इन द रिसीविंग मोड, आई एम ऑलवेज अलाइंड विद यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ब्रिंगिंग सो मैनी मैजिक, मिराकल्स, लव, हैप्पीनेस, सक्सेस and everything that I want, money, health, wealth, abundance, prosperity, everything so easily and effortlessly into my life. Thank you for being my jadugar. Thank you so much. Okay, now I'll start this video because I'm so excited, क्योंकि कल जब मैंने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मेरे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कब 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 मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा अभी राया सोई है और शिवेन भी सो रहे हैं, तो सैटरडे है और सैटरडे मैं चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल बढ़िया सा गुजरे। इट शुड बी अमेजिंग एज आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू फील द सेम। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहली चीज़ जो रोना ब्रायन ने कही है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको शुरुआत करनी चाहिए वो है कृतज्ञता से। ठीक है, कृतज्ञता मतलब होता है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, है ना। तो वो कहती हैं कि उन्होंने दो तीन जगह का एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको वो एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, होली बुक्स है, उसमें इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन क्या होता है ना, हमारे लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस के वजह से या जो भी रीज़न के वजह से हमारे पास वो नॉलेज नहीं था, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे अपने लाइफ में। ठीक है, तो उन्होंने लिया है गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज से, जो बाइबल में है। उन्होंने कहा कि गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में ये साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर ये चीज़ आपके पास है तो मैं आपको और दूंगा, लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो मैं जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लूंगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे, गरीब लोग गरीब होते जा रहे, राइट। क्योंकि गरीब लोग हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं, अमीर लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं, एप्रिसिएशन की मोड में रहते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल उन्होंने कुरान शरीफ से लिया है। उन्होंने कहा है कि कुरान में साफ साफ ये जाहिर किया गया है, और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सूरह इब्राहिम में ये बोला गया है कि जब अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपको कोई चीज़ नवाजता है, कोई भी नियामत से नवाजता है, तो उसमें शुक्र मनाएं, बिकॉज अगर आप शुक्र नहीं मनाओगे तो आपको इसकी भारी सज़ा मिल सकती है। ओके, सो इट्स इन कुरान। थर्ड, जब कृष्ण जी का कहना है कि कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। सो ये तीन सेंटेंसेस ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैंने कहा यार, ये कितने सालों से इस चीज़ में था, हम पढ़ते आए हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग उसके मीनिंग्स नहीं जानना चाहते, हमें बस पढ़ना होता है क्योंकि हमें किसी ने बोला है पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उसके मतलब क्या है हम नहीं जानना चाहते। जब मुझे ये तीन चीज़ पता चली, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मिस हो गया है ना। और इन्होंने एक और एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनको किसी ने पूछा था कि आपके जितने भी विशाल इन्वेंशंस हुए हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस आपने किए, डिस्कवरीज किए, तो इसका मेन कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं दिन भर में उन लोगों को जो मेरा नाम लेते हैं उनको मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। तो और न्यूटन का भी एक लॉ है कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जितना उस फीलिंग में रहेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्गली, उतने ही बड़े क्वांटिटी में, क्वालिटी में आप उतनी ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये है पहले चैप्टर का, उसका क्या कहेंगे, सारांश या समरी। ओके, सो नाउ
अब आपको एक्सरसाइज क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ रोंडा ने कहा है कि आपको अपने सारे जितने भी एरिया है उन सभी एरिया में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन के साथ लिख डालें। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप हेल्थ को लेकर है या पैसे को लेकर है, ठीक है, पैसे को लेकर है तो पैसा आपको कितना चाहिए, किस तरीके की जॉब आपको करनी है, वो जॉब का एनवायरनमेंट कैसा हो। अगर आप मान लीजिए कहीं किसी जगह पे है और वहाँ आप खुश नहीं है, है ना, लेकिन आप सोच रहे कि मुझे इस जगह से निकलना है, तो यूनिवर्स कहते हैं कि अगर आप उस जगह पे ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर देंगे तो मैं उस जगह पे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजूंगा आपको। तो क्या होता है जब आप किसी जॉब में और आपको वो पसंद नहीं है तब भी यूनिवर्स कहते हैं अगर छोटा सा भी ग्रैटिट्यूड शो करूँगे तो मैं वो जगह को जन्नत बना दूंगा, ठीक है। द सेम वे अगर आपका करियर है, हेल्थ है, जॉब है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, जो भी चीज़ में आप ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, आप उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो उस सेक्टर में एक चीज़ को ऐड कर दीजिए, वो है ग्रैटिट्यूड को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीज़ें लिखना है, जैसे कि हेल्थ हो गया, करियर हो गया, मनी हो गया, हाउस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, किस तरीके घर में किस तरह के मतलब आपके बच्चे कैसे हो, उनका उनकी स्कूल कॉलेज हर चीज़ के बारे में आपको पूरा एक समर डिटेल में लिख देना है विथ स्पेसिफिकेशन की क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा मेरा हाथ दुखने लगा है, ओके, तो मैं जल्दी जल्दी अभी इसको कंप्लीट करूँगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी करना है, साथ ही साथ आपको ये करना है कि आपने पूरा अपना विश लिख दिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी में चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर वन जो आपको करनी है जब तक के सेकेंड वीडियो ऑन दिस मैजिक सीरीज़ नहीं आता है, ठीक है। आपको ये करना है, आपको क्या करना है, हर एक सेक्टर में जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये जगह मुझे हील करनी, ये जगह पे मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, ये जगह पे मुझे कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, उस एरिया में आपको ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करना होगा, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि फेकनेस शो करना शुरू कर दो, भले ही आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करो लेकिन शुरू करो। और साथ ही साथ आप हर चीज़ में, हर एरिया में ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। नेविल गॉडेट कहते हैं कि फीलिंग इज़ द की। जो भी चीज़ आपका अच्छा वर्क कर रहा है सबसे पहले आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। लास्ट में जो भी आपका जो नहीं चल रहा है उसके अंदर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, जिसके लिए आप फीलिंग रखते हैं ग्रैटिट्यूड की, जिसके वजह से आप थैंक यू फील कर रहे हैं, राइट दैट थिंग, ठीक है। लिखना ज़रूरी है, उन्होंने कहा एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूरी है। अब आप क्या कर सकते हो, उसी एरिया में 10 कर सकते हो, ये एक चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, जो एरिया आपको सुधारना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जो एरिया आपका काम कर रहा है वो 8 लिख दीजिए, और 2 जो एरिया आपके नहीं काम कर रहा है, जिस एरिया में आपको सुधार की ज़रूरत है, उस चीज़ में आप 2 ऐसे पॉइंट लिख दीजिए जो सच में जेन्युइनली आप थैंकफुल फील कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हेल्थ के बारे में लिख दीजिए, मान लीजिए आपका करियर अच्छा है तो आप करियर के बारे में लिख दीजिए, मान लीजिए अगर आपका बॉडी अच्छा है तो बॉडी के बारे में लिख दीजिए। इस तरीके से आप ऐसे पॉइंट काउंट करके आप लिख सकते हो। प्लस जो चीज़ आपकी नहीं वर्क कर रही है, मान लीजिए अगर आपकी मैरिड लाइफ नहीं वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू आर मैरिड, कितने लोग हैं जिनको एक सही पार्टनर भी नहीं मिला है, या आप एटलीस्ट एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आपने उस इंसान से शादी किसी ना किसी रीज़न से तो की होगी, है ना, तो उस रीज़न को पकड़ के चलिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो भी रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप अपना एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट हर दिन 10 करने हैं। रोंडा ब्रैंड कह रही है कि 28 दिन का ये पूरा कोर्स है, तो 28 दिन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। मैं कहती हूँ कि आप रोज़ करें, सबसे मज़े की बात यह है कि आप ये रोज़ कर सकते हैं। 10 पॉइंट निकाल के रखने और उसके बाद लिखने के बाद रोंडा ब्रैंड कहती है कि इसे पढ़िए, पढ़ने के लिए आपको ज़ोर से बोलना है,
उसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कही मन ही मन पढ़ी है, मैं कहती हूँ आपको जोर से पढ़िए, कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपको सुनाई दे, ऐसा नहीं कि लाउड स्पीकर में चिल्लाना है आपको, लेकिन आपको सुनाई दे, आप वो सुनकर और आपका मन खुश होगा, क्योंकि आपके सेंसेस कॉन्शियस माइंड को भी वो एक्टिवेट करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस को डायरेक्ट करता है, राइट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो लिखने से एक्टिवेट हो गया, अब क्या हुआ, पढ़ने से आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, वो डायरेक्ट करेगा सबकॉन्शियस माइंड को, तो क्या होगा, रीप्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड की दो बार हो गई, है ना, तो क्या होगा, रिजल्ट फास्टर मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जब भी आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल है, क्यों है ये भी रीजन लिखिए, क्योंकि जब आप क्यों लिखते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जल्दी उस चीज को ग्रास्प करता है। तो जब आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया कि आई लव माई बॉडी, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी, या मैं अपने बॉडी के लिए या अपने फिजिकल हेल्थ के लिए मैं कृतज्ञता शो करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे पैर हिल रहे हैं, मैं अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा हूँ, मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ अपना खाना, मेरे पास दांत है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, आँखें हैं देखने के लिए, इस तरीके से आपको क्यों 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 रीजंस देते रहने हैं, ठीक है, जितना आप दे सकते हो। और फिर जब आपने ये लिख दिया, उसको एक बार पढ़ना है, और फिर लास्ट में तीन ये जो वर्ड्स है आपको यूज़ करने हैं, ये है मैजिकल वर्ड, वो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, इसको तीन बार बोलना है। ये तीन वर्ड आपका जो भी आपने लिखा है उसको लॉक कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में वो लेकर आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज, और मैंने ऑलरेडी कल रात में कुछ कुछ ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाई है 10, और वो मेरे ब्लॉग में मैं आपको बताती चलूंगी। ये कोच शाइन में है, इसमें सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्यों करना है ये डिस्कस करेंगे, और कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, वो मैं ब्लॉग्स में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय, लव यू ऑल।